नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है बांग्लादेश से। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उनके ढाका छोड़ने की भी खबर है। कुछ देर में ही बांग्लादेश सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बांग्लादेश में पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि शेख हसीना जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गई है। फिनलैंड जाने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालात वहां तेजी से बेकाबू हो रहे थे और इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जो बांग्लादेश पड़ोसी बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश में दरअसल आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था, ये तेज हो गया। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास में घुस चुके। इन सब के बीच खबर यह आई कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हिंसा लगातार वहां पर चल रही है। कुछ देर में सेना की तरफ से अहम जानकारी दी जा सकती है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। तंगेल और ढाका में हाईवे पर जो इंपॉर्टेंट हाईवे है वहां पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। आंदोलन में तकरीबन तीन हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर में जो सेना के प्रमुख है वकरुज्जमान वो देश को संबोधित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं और इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है। आरक्षण को लेकर ये पूरा विवाद और बांग्लादेश में हालात खराब। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपडेटेड तस्वीर है हाल फिलहाल की, कुछ देर पहले की, जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास में अंदर घुस गए थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। फिनलैंड जाने की खबर है शेख हसीना के। तकरीबन 300